So well guys, I am Aman. So today I am going to show you how to book a air ticket from India to Thailand. How to book not, it's how we get a cheap air ticket India to Thailand. तो आज हम आपको ये दिखाते हैं कि भारत से थाईलैंड जाने के लिए सस्ते टिकट हमें कैसे मिल सकते हैं। इसमें दो तीन चीज़ हमें फॉलो करना होता है, जैसे कि पहले तो हमें ड्यूरेशन होता है जो हम कितने महीने और कितने समय पहले बुक कर रहे थे। जैसे आज का जो टिकट है ये लगभग डेढ़ महीने पहले हमने बुक किया है और ये भी 8,000 रुपये का टिकट है जो कि अप और डाउन है। तो आइए ज़्यादा ना देर करते हुए हम स्काई स्कैनर की मदद से इस टिकट को जनरेट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस। तो अभी मैं यहाँ पे टाइप किया www.skyscanner.com और अभी आप मैं टाइप कर रहा हूँ IND जो कि इंडिया का कोड है और आप देख रहे हो यहाँ पे हम टाइप करेंगे थाईलैंड जो कि TH है थाईलैंड का कोड और हमने डिपार्चर में चीपेस्ट मंथ सेलेक्ट किया है और आप देख रहे हो ये अभी आ रहा है। तो अभी आप देखो बैंकॉक से डायरेक्ट फ्लाइट आया जो कि हमें दिखा रहा है 3666 जो कि भुवनेश्वर से था और मैं अभी चूँकि चेन्नई में हूँ तो मैं भुवनेश्वर से तो नहीं जा सकता। तो अभी आप देखो मैं डेट सेलेक्ट किया 28 जुलाई और अभी मैं जाके वापस में उसे चेन्नई किया। तो अभी आप देख रहे हो चेन्नई का जो रेट है 4,386 रुपीज़ दिखा रहा है। तो अभी आप देख रहे हो रात के 11:25 पे वो फ्लाइट था जो कि चेन्नई से था और वहाँ पे सुबह में पहुँचाने का है जो कि 4:20 वहाँ थाईलैंड का लोकल टाइम है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमने बुकिंग के लिए सब चीज़ प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना नाम डाल रहे हैं और अभी दूसरे वाली लाइन में मेरा मिडिल नेम नहीं है तो हमने लास्ट नाम डाला और हमने मेल डाला, इंडिया डाला और अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे और एक्सपायरी डेट डालेंगे पासपोर्ट का और ईमेल आईडी डालते हुए और मोबाइल नंबर डालते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ईमेल आईडी डाल दिया और अभी हमने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। अब हम इसे प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया और जैसे ही नेक्स्ट किया हमारा पेमेंट का ये गेटवे खुल गया और अब हम प्रोसीड किया अपना सारा डिटेल भरते हुए, कार्ड वर्ड सारा डिटेल भर दिया और मुझे दिखा रहा है 84,385 रुपीज़। अब हम यहाँ पे करेंगे। तो आप देख रहे हो आप भी पे कर सकते हो, ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो और कोई चाहो तो आप UPI से भी कर सकते हो। तो हमारा पेमेंट हो गया, ये मेरा ईमेल आईडी से हमने आपको दिखाया। अब मैं यहाँ वापस आने का बुक कर रहा हूँ, मैं चाहता तो एक साथ ही 2-way का देख सकता था लेकिन नहीं, मैं अलग अलग किया। मैं जाने का देखा पहले स्काई स्कैनर पे, फिर मैं आने का देखा। तो अभी मैं जब आने का थाईलैंड से इंडिया का देखा तो मेरे को थाईलैंड से बैंकॉक से कोलकाता का दिखाया। तो ठीक है मेरे लिए कोलकाता चलेगा तो मैं यहाँ से बुक कर रहा हूँ अभी बैंकॉक टू कोलकाता। तो अभी आप जो प्राइस देख रहे हो ये आपको दिखा रहा है 3,767। तो हम आगे प्रोसीड करते हुए आगे बढ़ते हुए सेम प्रोसीजर सारा फिल करते हुए सारा डिटेल डालते हुए अभी हम आगे बढ़ेंगे। सारा हमने वही चीज़ है जो पीछे डाला, सारा आपका नेम है, पासपोर्ट नंबर है और आपका पासपोर्ट वैलिडिटी है और आपका ईमेल आईडी है जहाँ पे आपको टिकट मिलेगा और आपका फ़ोन नंबर है इन एमरजेंसी केस अगर कुछ डिले वगैरह होती है तो कॉन्टेक्ट करने के लिए। तो ये हमने प्रोसेसिंग कर दिया, हमारा बुकिंग भी हो गया और हमारा रेफरेंस नंबर भी मिल गया जैसे कि आप देख रहे थे। ये देखिए मेरा जो बुकिंग है ये मैं दिखा देता हूँ, बैंकॉक से कोलकाता का है जो कि आने का हमारा फ्लाइट है और चेन्नई से बैंकॉक का था जो कि हमारा जाने का था। तो जाने का हमारा 4,385 रुपीज़ हुआ और आने का हमारा 3,766 रुपीज़ हुआ। तो टोटल दोनों मिला के 8,151 रुपीज़ हमारा प्राइस हुआ। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।